नमस्कार दोस्तों, पहली वीडियो है ये स्पेक्ट्रम एमसीक्यू की, ओनली फॉर चैनल मेंबर्स। देखते हैं पहला सवाल आज का। टोटल 7 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तीनों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए बी सी डी, आंसर है इसका डी, 1 और 3। पहला ऑप्शन क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 11th of March 1891 एट कलकत्ता एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कौन करता है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसके पास न केवल वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज़ादी के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए हैं या फिर अपने प्रोसीडिंग्स के लिए इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले जो कंपनी राज था, जो ब्रिटिश रूल था, उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में सेफ रखे हुए हैं। इसको बनाया कब गया, 11th of March 1891 को कलकत्ता में एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। तो जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही होता है, 11th मार्च 1891 में बना एज इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। दूसरा आते हैं, ये जो नेशनल आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, इट इज द बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया में सबसे बड़ी आर्काइव है और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा, द बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी इन द वर्ल्ड, तो दूसरा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे गलत। ओके, तो दूसरा ऑप्शन जब गलत होता है तो ए ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, बी ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो 3 बचा 1 बचा। ऑब्वियसली बात है, 1 सही है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आपके वो पूरी जानकारी होनी चाहिए इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं, ये जो आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, इसके पास वास्ट कॉर्पस है रिकॉर्ड्स का, पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, मैप से रिलेटेड, माइक्रोफिल्म, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। फिर आगे कुछ और बातें बता रखी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स हेड करता है इस डिपार्टमेंट को, किसको, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स को, जिसको अब बोला जाता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, इसको हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स। किस नियम कानून के थ्रू इसको चलाया जाता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के थ्रू चलाया जाता है। इस पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के अंदर कुछ नियम कानून बनाए गए जिनको बोला जाता है पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997। ये बनाए गए फॉर द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स इन द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एटसेट्रा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी के लिए कहाँ है ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स इन द हर्ड ऑफ न्यू दिल्ली। और ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, दिस फंक्शंस एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो भैया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। मीन सेंटर इसका नई दिल्ली में बना, कहाँ था, कलकत्ता में बना था। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, भोपाल, और 3 रिकॉर्ड सेंटर्स हैं, भुवनेश्वर, जयपुर और पुदुचेरी में। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड या फिर सबसे बड़ा आर्काइव्स कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है फ्रेंच आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, पब्लिक रिकॉर्ड्स आर एक्सेसिबल एज पर प्रोविजंस कंटेंड इन पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप खुद पढ़िए, पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्काइव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच आर्काइव इज ऑल्सो नोन एज खालसा दरबार रिकॉर्ड्स। अभी खालसा दरबार रिपोर्ट्स किसको बोला जाता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ दोस्तों। खालसा शब्द किस चीज से रिलेटेड है, सिख अंपायर से रिलेटेड है। सिख अंपायर किसके अंदर था, रणजीत सिंह जी के अंदर था। रणजीत सिंह जी की कैपिटल क्या थी, लाहौर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किंगडम ऑफ लाहौर। तो आर्काइव्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट में जो आर्काइव्स ऑफ द किंगडम ऑफ लाहौर है ना, इनको खालसा दरबार रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। 1800 से लेकर 1849 तक के ये रिकॉर्ड्स हैं। सिख अंपायर को किसने स्टैब्लिश किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, महाराजा रंजीत सिंह जी ने सिख अंपायर को कंसोलिडेट किया था। इसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा रखा है अपनी स्पेक्ट्रम की सीरीज में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ओके, ये जो अंपायर था सिख अंपायर 1799 से 1849 तक एग्जिस्टेंट था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई थी और 1849 में पंजाब का विलय हो गया था इंग्लिश डोमिनियन के अंदर, इंग्लिश रूल के अंदर। राजा रंजीत सिंह जी ने सारे सिख मिजलों को मिला के एक कंसोलिडेटेड सिख एम्पायर बनाया था। राजा रंजीत सिंह कहां से आते थे, सुकर चकिया मिजल से। ओके, तो ये है आपका एक क्वेश्चन, आगे चलते हैं। विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन द 18th 19th सेंचुरी वाज कॉल्ड कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज। मैं यहाँ पे थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने सोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अवेलेबल करवाए हैं और मैं सिर्फ काम की चीज आपको बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर आपके लिए बोरिंग ना हो। आई होप आपको ये पसंद आएगा। जितने भी मेरे चैनल मेंबर्स हैं, अगर कुछ सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
इनमें से किस न्यूज़पेपर को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज कहा जाता था? तो बंगाल गेजेट को कहा जाता था। देखते हैं 1780 में जेम्स ऑगस्टक हिकी ने, ये नाम याद रखिएगा, पहला न्यूज़पेपर इन इंडिया पब्लिश किया जिसको बोला गया बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसको 2 साल के अंदर बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटी गवर्नमेंट बातें कही जाती थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता था, तो पर ये न्यूज़पेपर 2 साल के अंदर बंद हो गया शुरू होने के बाद। उसके बाद बहुत से पब्लिकेशन आए इंडिया में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। कलकत्ता गेजेटेड शुरू हुआ 1784 में, मद्रास कुरियर 1788, बॉम्बे हेराल्ड 1789। ओके, शुरुआत के जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे वो एक्चुअली में जो यूरोपियन लोग रहते थे इंडिया में, जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनकी जो फैमिली थी, और वो इंडियंस जो कि काफ़ी पढ़ लिख के यूरोपियन जैसे हो गए थे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स छपा करते थे। यानी इन न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में वही चीज़ें छपती थी जो इन लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी आते आते कुछ ऐसे न्यूज़पेपर छपने लगे जो सोशल इश्यूज़ के बारे में, इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगे, जैसे द हिंदू और स्वदेश मित्रन जिसके एडिटर थे जी सुब्रमण्य अय्यर, केसरी और महारत्ता अंडर बाल गंगाधर तिलक, बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मीडिया अंडर एनएन सेन, वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नेहरू जी, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा। ये मैंने वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इंक्लूड किए हैं जो आप किसी भी हाल में मत भूलिएगा, अगर आप भूलेंगे तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे बात करते मैच द फॉलोइंग नॉवल्स रिटन इन 18th-19th सेंचुरी एज पर द कोड गिवन बिलो। देखते हैं किसने किसने लिखा है, राजसीमा किसने लिखा है, हिंद आने ब्रिटानिया चिमीन केलुगु मालू, ज्यादा आपने सुना नहीं होगा बट फिर भी ये क्रिएटिव लिटरेचर है, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी की, 1838 से 94 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, इनकी नॉवल्स बहुत हिस्टोरिकल रही हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल आप आंख बंद करके बता दोगे आनंद भट्ट जो कि 1800 आनंद मठ जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी। ओके, इसमें आपको वंदे मातरम मिलता है और इसी में सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया गया था जो कि 1760s में हुआ था। जो लास्ट नॉवल थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी की वो थी राजसीमा। ओके, तो यहाँ पे आप आराम से मैच कर सकते हैं, राजसीमा इज रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रॉब्लम हो रही है इसमें, हाँ जी, तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, हाँ जी अब आया सही थोड़ा सा, बिल्कुल ये रहा राजसीमा लिखी है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आगे आते हैं उसके बाद इचरम सूर्यराम देसाई 1853 से लेकर 1912 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, फाइन स्कॉलर थे ये मीडिवल गुजराती लिटरेचर के। इनकी पहली नॉवल थी हिंद आने ब्रिटानिया। ओके, तो हिंद आने ब्रिटानिया किसकी थी, इचरम सुंदरम देसाई की। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिर आते हैं आपके कुछ तमिल राइटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक गिरिजा देवी एंड राम तीर्थमल। गिरिजा देवी जी ने लिखी है मोहना रजानी 1931 में, और राम तीर्थमल में लिखी है दसी कालीन मुसावलाई 1936 में। सोशल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ये। फिर जी वी कृष्ण राव जी ने लिखी है किलु बुमालू द पपेट्स 1956 इन तेलुगु, इसका इंग्लिश नाम था द पपेट्स, वैसे किलु बुमालू बोला जाता था, तेलुगु में लिखी थी। मॉरल एस्पेक्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल के बारे में लिखा है वैकोम मोहम्मद बशीर ने 1910-1994 में, एक्टिव थे, एक एमिनेंट राइटर थे मलयालम में। इन्होंने लिखी है बल्लिया कला शाखी, बल्लिया कला शाखी को इंग्लिश में बोलते हैं द चाइल्डहुड फ्रेंड्स 1944, ट्रेजिक टेल ऑफ लव है ये। फिर तखाजी शिव शंकरा पिल्लई, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं मलयालम में, टोटी यूड मकान सन ऑफ अ स्कैवेंजर 1948 और चिमीन श्रिम्स 1956। तो आप देख सकते हैं चिमीन किसने लिखी है, थकाजी शिवा सिंकरा पिलई। ओके, यहाँ पे नजर आ रहे हैं थकाजी शिवा सिंकरा पिलई। ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन, यानी कि राजसीमा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, हिंद आने ब्रिटानिया है इचरम सूर्यराम देसाई, चिमीन है आपका थकाजी शिवा सिंकरा पिलई, और कील बुमालू है आपका जी वी कृष्ण राव। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पटना कलाम की बात करते हैं। भाई पटना कलाम क्या है इनमें से, वॉट इज पटना कलाम विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो ये है कंपनी की पेंटिंग्स। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा
जो उस समय की पेंटिंग्स थी जब हमारे देश में कंपनी राज चलता था, तो इनको बोला जाता था कंपनी पेंटिंग्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पेट्रोनेज के अंदर बनी थी, इनको बोला जाता था पटना कलाम। ये करती क्या थी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ये बताती थी। तो उस समय पे लोग कैसे रहा करते थे, सोसाइटी में कैसे सीन्स हुआ करते थे, विलेजेस में कैसे सीन्स हुआ करते थे, ट्रेड कैसे लगा करते थे, फेस्टिवल कैसे लगा करते थे, डांस, अटायर ऑफ द पीपल, सब कुछ इन पटना कलाम पेंटिंग्स में आपको मिलता है। ये पेंटिंग 19th सेंचुरी के एक बहुत मेजर हिस्से तक ये फेमस रही है, लेकिन 1840s में जैसे ही फोटोग्राफी आई, इन पेंटिंग्स की डिमांड घट गई। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर डिड द कालीघाट पेंटिंग और कालीघाट पट ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी। इसका सिंपल आंसर है बंगाल, जिसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कालीघाट पेंटिंग या कालीघाट पट 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुई थी वेस्ट बंगाल इंडिया में, ठीक है। कालीघाट, काली टेम्पल है ना कलकत्ता में, वहां पे ये कालीघाट पेंटिंग की प्रथा शुरू हुई थी। बहुत सारे सुवीनियर्स बनाते थे, तो जो लोग आते थे काली टेम्पल में पूजा करने के लिए, वो इन पेंटिंग्स को एज अ सुवीनियर खरीद के लेके जाते थे। इसमें हिंदू गॉड्स, गॉडेसेस और दूसरे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले किया गया है। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो कालीघाट पेंटिंग थी, एक तरीके की स्क्रॉल पेंटिंग थी। स्क्रॉल पेंटिंग मतलब क्लॉथ पे ये पेंटिंग करी जाती थी। इन पेंटिंग्स में कन्वेंशनल इमेजेस दिखाई जाती थी गॉड्स और गॉडेसेस की, खासकर जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी उसमें जिस तरीके के गॉडेसेस का नाम लिया गया, गॉड्स का नाम लिखा है, जो सीन्स को डिस्प्ले किया गया, उनकी पेंटिंग्स थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक कालीघाट पेंटिंग है, ये भी एक कालीघाट पेंटिंग है, ये दुर्गा माँ को डिस्प्ले कर रही है। इस तरीके के और भी बहुत से भगवान इन पेंटिंग्स में दिखते थे। इन पेंटिंग्स को जो आर्टिस्ट बनाते थे वो विलेजर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्क्रॉल पेंटिंग्स को ले जाके बेचा करते, गाना गा गा के लोगों को अपने पास बुलाया करते थे, उनको पेंटिंग्स दिखाया करते थे और उनको बेचा करते थे। इन आर्टिस्ट को बोला जाता था पटुआस और पेंटर्स ऑन क्लॉथ, क्योंकि ये अपनी पेंटिंग कपड़े पर करते थे। ओके, और हम आ जाते हैं आज के अपने फाइनल सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 6 लिखा हुआ है, सॉरी। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान चार इंपॉर्टेंट मॉडर्न पेंटर्स मिले हैं आपके, पेंटर तो नहीं कह लीजिए, सोशल फिगर्स थे इंपॉर्टेंट, इसमें राजा रवि वर्मा पेंटर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर भी पेंटिंग में इन्वॉल्व थे, आर्ट के फील्ड से सब रिलेटेड है। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और ई.बी. हैवर, इनको यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक एक करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत जरूरी है ये। राजा रवि वर्मा को बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, भैया ये जरूर याद रखना एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इंडियन पेंटर थे 18वीं शताब्दी के, बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। इनको फेम मिला, रिकॉग्निशन मिला बाय पोर्ट्रेइंग सीन्स फ्रॉम एपिक्स ऑफ महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण से ये पेंटिंग्स बनाते थे, इनको काफी माना जाता था। लाइट और डार्क को ये अपनी पेंटिंग में बहुत अच्छी तरीके से दिखाते थे। एज अ पेंटर इनकी काफी जान पहचान थी, लेकिन राजा रवि वर्मा को एक बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये अंग्रेजों के अगेंस्ट जाके पेंटिंग नहीं बनाते थे। उस समय पे अंग्रेजी रूल था इंडिया में और ये कहीं से भी अपनी पेंटिंग में अंग्रेजों को नाराज नहीं करते थे। ये चीज हमेशा इनके ऊपर इल्जाम लगाई जाती थी, राजा रवि वर्मा के ऊपर। तो इनको बोला जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। आगे आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो ये प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे और क्रिएटर थे किसके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। ओके, ही वाज द फर्स्ट मेजर एक्सपोनेंट ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट, देयर बाय फाउंडिंग द इन्फ्लुएंशियल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बनने में अवनींद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा रोल था। क्रिएटर हैं ये आपके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो जब भी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात आएगी, कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, राजा रवि वर्मा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो ए हो गया 3 और बी हो गया 4। नंदलाल बोस पहुंच गए कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म में, इनके बारे में बात करते हैं। ये भी पायनर है मॉडर्न इंडियन आर्ट के, की फिगर है ये कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म में, मतलब उस समय की सोसाइटी के हिसाब से जो भी मॉडर्निज्म का कंसेप्ट था उसको नंदलाल बोस जी ने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। ये शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर के और इनको इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए माना जाता था। बाद में कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल भी बने 1922 में, तो ये याद रखिएगा। फाइनली आते हैं अर्नेस्ट बेन हेवल पे। अभी अर्नेस्ट बेन हेवल की आप बात करोगे तो आर्ट स्कूल इन कलकत्ता में इन्होंने एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया। ओके, तो आर्ट स्कूल कलकत्ता के प्रिंसिपल कौन थे, ई.बी. हेवल, नाम था इनका अर्नेस्ट बेन हेवल।
इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश आर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर थे। बहुत हद तक इन्होंने काफी किताबें लिखी हैं इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर पे। हेवल फैमिली ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्ट एजुकेटर थे, बिलोंग करते थे ये अंग्रेज इंडिया में आए थे, तो अंग्रेजी आर्ट और इंडियन आर्ट को मिला के इन्होंने अजीब सा मिक्सचर बनाया था एक, इसलिए इनको माना जाता है। आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे कलकत्ता में, तो ऑब्वियस बात है आर्ट के फील्ड में इनका काफी नाम था। तो ये था आज का स्पेक्ट्रम का पहला एमसीक्यू दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके आपके सामने रखने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।